दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, अभी जो मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर का है। इसमें दोस्तों है ना, बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है। इसका हम आज ऑफलाइन फॉर्म भर के भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक फॉर्म भरने से पहले हम इसका पहले पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा देते हैं। देखिए, एक कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गोलबांडा गंजम उड़ीसा पिन 76-10-52। इनविट्स अप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स लेवल ऑफ द, मतलब ये देखिए, ये जो है ना, ये मतलब अप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है किस किस पोस्ट पे। कुक में एक पोस्ट पे मांगा गया है जो यूआर में है, एलडीसी में एक पोस्ट पे मांगा गया है जो यूआर में है, और एमटीएस में चार पोस्ट यूआर में है, एससी में नहीं पोस्ट है, एसटी में एक पोस्ट है, ओबीसी में एक पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। वासरमैन में एक पोस्ट है जो है ना यूआर के लिए है, एलडीसी में एक पोस्ट है जो एससी के लिए है, एमटीएस में फिर 2 पोस्ट है जो दोनों का दोनों यहाँ पे है क्या यूआर के लिए है, और एलडीसी में फिर एक पोस्ट है जो एक पोस्ट एलडीसी के मतलब यूआर के लिए है। इधर देखिए, ऊपर में जो देख रहे हैं वासरमैन तक यानी कि डी तक, ये हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा सब एरिया रायपुर के लिए है, और यहाँ पे देखिए स्टेशन हेडक्वार्टर रायपुर और स्टेशन हेडक्वार्टर गोपालपुर के लिए है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिमेन प्रोमोशन ऑफ द पीरियड 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब अगर आपको प्रमोशन इसमें होगा ना, वो 2 साल के बाद ही होगा, 2 साल से पहले इसमें प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर कुक की और एलडीसी की बात करें तो लेवल 2 की सैलरी है 7th पे कमीशन के अनुसार 19,900 से 63,200, 18 से 25 साल एज है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है कुक में, और कुकिंग का नॉलेज चाहिए, और एलडीसी में 12th पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से, और 35 वर्ड इंग्लिश पर मिनट टाइपिंग और 30 वर्ड मतलब हिंदी टाइपिंग करना आना चाहिए। उसके बाद एमटीएस मैसेंजर सफाई वाला ड्राफ्टी एंड चौकीदार में लेवल 1 की सैलरी है 18,000 से 56,900, 18 से 25 एज है, और मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए, डिसरेबल में 1 ईयर का ड्यूली रिस्पेक्टेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब यहाँ पे हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन नहीं है, और यहाँ पे देखिए यूआर को नो एज रिलैक्सेशन, जनरल एससी एसटी ओबीसी इन यूआर कैटेगरी, अगर आप ये सब कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं यूआर में तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक सर्विस मैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का दिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी को 10% का दिया जाएगा, और यहाँ पे देखिए रिलैक्सेबल अप टू 40% 45 ईयर, एसटी एसटी कुकिंग एंड एलडीसी रिलैक्सेशन 35 ईयर। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन, मतलब 21 दिन तक आपका लास्ट डेट हो जाएगा आवेदन देने का। इशू ऑफ कॉल लेटर इंटीमेटिंग द डेट ऑफ टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी इशू ओनली द दोज एलिजिबल कैंडिडेट हुज अप्लीकेशन आर बी रिसीव्ड विथ परफेक्ट टाइम ऑफ फंड कंप्लीट द ऑल एक्सेप्टेड। मतलब इसे कहने का मतलब है, जिनका सब कुछ सही रहेगा, जिनको ये इलिजिबल करेंगे, उनका रिटर्न टेस्ट का एडमिट कार्ड आएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन विल बी मेड ऑफ द बेसिक ऑफ द कम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, क्वालिफाई नेचर रिटर्न एग्जाम विल बी कंसिडर्ड, मल्टीप्लाई च्वाइस क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स जनरल जनरल कैंडिडेट्स एंड 2 आवर्स 20 मिनट फॉर विजिबल जनरल कैंडिडेट्स, 2 आवर 20 मिनट फॉर विजिबल हैंडीकैप कैंडिडेट, डिटेल्स एटीट्यूड स्किल टेस्ट विथ टाइम ड्यूरेशन विल बी इमिटिएटेड, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन थ्रू कॉल लेटर फॉर द सेट टेस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट जो है ना वो दोनों एग्जाम होने के बाद आपका आएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको A4 साइज पे अप्लीकेशन पे मतलब ये अप्लीकेशन फॉर्म और पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रिंट कर लेना है, और इसको कलम से भर लेना है, और भरने के बाद आपको एक लिफाफा लेना है, जो लिफाफा में फॉर्म में आपका एड्रेस रहेगा और 2 में भेजने का पता रहेगा, उस पर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैपिटल लेटर में एंड अपना कैटेगरी,
और भेजने में आपका जो पता है द कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजाम उड़ीसा पिन इतना रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब इसमें सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाना है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अगर आप जनरल कैटेगरी छोड़ के किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है और यहाँ पे देखिए 1 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप देना है जिसपे ₹25 का डाक टिकट चिपकाया हो, जिसमें आपका रिटर्न एग्जाम का कॉल लेटर आएगा। रिटर्न एग्जाम देने जाने में आपको कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा, ना ही स्किल टेस्ट में आपको कोई TA और DA दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। पार्टी है, मैं इसका एक अप्लाई करने का सेपरेट वीडियो लेकर जल्द से जल्द आऊँगा, मतलब आज ही आऊँगा या कल, आज या आज रात को आ जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए दोनों को मैं पहले एक साइड पे आपको टाइप करके A4 साइज पे 2 पेज में इसको निकालना है, उसके बाद भर के मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊँगा क्या क्या करना है। तो दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन समझ में आ गया, अगर आप भी इसका एलिजिबल फुलफिल करते हैं तो आप भी इसमें आवेदन दीजिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिल अप की नॉलेज।